तो अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं अनवान नासर को गुड बाय कहने, और इंशाल्लाह इसका सफ़र बाकी अच्छा गुजरेगा। बाकी बातें बाद में होंगी ताकि देर ना हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़। तो इस ट्रेन पे जो कि मैट्रिक्स कंपनी के नाम से है, इस ट्रेन पे अनवार नासर आ रहा है। तो फाइनली अनवार नासर मिल गए हमें, अभी अभी पहुंचे हैं थोड़े से लगेज के साथ। तो आपका सफ़र कैसे गुजरा? सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, अब आगे का अल्लाह हाफिज़ है। चलो ठीक। तो ये है सेंट्रल स्टेशन स्टॉकहोम का। अभी अनवार नासर को कुछ चीज़ें बातें बताई हैं कि इस तरफ जो है वो सिटी हॉल है जहां नोबल सेरेमनी होती है, साइंटिफिक नोबल प्राइज देते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन एरियाज हैं वो इस तरफ हैं। तो इस तरफ अभी हम जाएंगे, कोशिश करेंगे वहां जाने की। अभी रात नहीं हुई तो आज की रात अनवार नासर को ओवरव्यू दिखाएँगे, हल्का हल्का ओवरव्यू। कल जो है ना वो होगा डिटेल। ये देखते हैं क्या होता है। तो अनवार नासर इस वक्त सलूशन के मकाम पे है। तो इस तरफ जो है ग्रोनालुंद है, ये ग्रोनालुंद, इस पूरे इलाके का नाम है यूरगोर्टन। यहाँ से कश्तियाँ जो हैं वो सब हर जगह जाती हैं, बाल्टिक्स में इस्तोनिया, लतविया, रीगा, रशिया। तो अनवार नासर 2.5 दिनों के लिए आया है, अगर ज़्यादा दिनों के लिए आते तो यहाँ से बोट पकड़ते तो रशिया जाते। अभी हम गमलस्तान के मरकज़ में खड़े हैं। तो ये गमलस्तान का आउटर व्यू है। इस तरफ जैसे पहले बताया कि यूरगोर्टन है, वासा म्यूज़ियम है। तो ये जी है नोबल प्राइस म्यूज़ियम। जब मैं स्वीडन में आया था तो मेरी ख्वाहिश थी कि शायद मुझे नोबल प्राइज़ मिलूँ, जैसे थरा होता है पाकिस्तान में, तो ये थरा टाइप चीज़ है और यहाँ नोबल प्राइज़ म्यूज़ियम है। तो ये जो है गमलस्तान की सेंट्रल रोड है, यहाँ लोग पैदल वॉक करते हैं, दूसरे साइड में आप सेंट्रल स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। अब्दुल्कदूस यहाँ बैठ के खाना खा रहा होगा, ओबामा भी यहाँ आके ठहरा था। ये ऊपर कोई चर्च है, इस तरफ एक म्यूजियम भी है, और यहाँ से काफी प्यारा सीन नजर आ रहा है। ये इसका पानी इतना साफ होता है, स्टॉकहोम का गेम्स के कंपटीशन होने थे तो कोई टीम आई थी चेक करने के या सफाई है। तो यहाँ का जो मेयर था स्टॉकहोम का, तो यह स्टॉकहोम के मेयर ने पानी का गिलास लिया और वो इस पानी में डाला, जबकि ये समंदर का पानी और पी गया। कहते ये इतना साफ है कि आप पी भी सकते हैं। रावलपिंडी में जो नाला लई है उसका हाल देखें क्या किया हुआ है। तो ये है मॉडर्ना म्यूजियम, मोस्ट प्रोबेबली क्या डेफिनेटली बंद है, लेकिन ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, दुनिया यहाँ देखने आती है इस म्यूजियम को। तो ये इसका नाम है मॉडर्ना म्यूजियम। अनवार नासर को मैंने ये दिखाने थे ग्रोनालुंद के सामने, दो स्वान यहाँ, हाँ दो नीचे हैं और दो इधर हैं। स्माइल। तो अभी हम स्टॉकहोम सिटी सेंटर के इर्द गिर्द हैं। ये इस तरफ यूरगोर्टन है, यहाँ से भी छोटी छोटी बोट्स जाती हैं, तकरीबन 5000 आइलैंड्स हैं। अनवार नासर इंजॉय कर रहा है, वो मसरूफ है, खुश है। और आपको पसंद आया? आया। अच्छा, बहुत पसंद आया। और माहौल भी यहाँ अच्छा है? बहुत अच्छा माहौल है, राइट लेफ्ट में। ठीक। यहाँ से काफी अच्छा व्यू आ रहा है, कांसल कहते हैं उसको, ओपन एयर म्यूजियम। वन टू
बोट की भी ट्राई करेंगे अगर हमें टाइम मिला तो। जिसने रिक्सर को नहीं देखा उसने स्वीडन नहीं देखा। तो जो यहाँ टूरिस्ट आता है रिक्सर ऊपर जाए तो स्वीडन ऊपर जाता है, रिक्सर नीचे गिरे तो स्वीडन नीचे गिरता है। रिक्सन के हेडक्वार्टर पे ना आए तो, अभी तो रिक्सन का हेडक्वार्टर बंद है, रात का टाइम है। तो फाइनली अनवार भाई जो है ना वो घर पहुंच गए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। तो हमारी सुबह हो गई है, रात काफ़ी देर तक हम घूमते रहे थे, 3 बजे तकरीबन सुबह सोए होंगे। अनवार भाई जल्दी आ गए हैं। सेब अभी जो है ना वो पके नहीं है, जैसे ये कोई बेरी खाने वाली लगाई थी तो ये नाशपाती है। 1 2 स्माइल स्माइल। तो आज का अभी हम नाश्ता करने लगे हैं, आज की सैर सहा तो, लेकिन फिलहाल नाश्ता। भाई हम लोग जो है ना कोशिश करेंगे कि अगर हम अच्छी जगह पे जाएं, पानी मिले और वहाँ नहाए। अभी हम निकले थे घर से बाहर तो मैंने सोचा कि अनवार नासर यहाँ स्टॉकहोम का भी जंगल देख ले, फार्म हाउसेज हैं, ये एक्सरसाइज हो रही है। इस वक्त हम लिदिंगो आइलैंड में हैं, यहाँ जो स्वीडिश की के उम्रा है वो लोग यहाँ रहते हैं। हम उस ब्रिज के थ्रू इधर आए हैं तो ये थोड़ी सी अच्छी सीनरी। तो यहाँ छोटी, लेकिन क्योंकि ये अमीर लोगों का इलाका है तो ये इनकी प्राइवेट बोट्स भी जो है ना ये काफ़ी काफ़ी बड़ी हैं, लगता है पूरा पूरा घर है। तो ये काफ़ी प्यारा एरिया है। अभी हमारा बोट ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। ये वाली बोट है, इसे इनकार कर दिया है और, लेकिन आप डर रहे हैं, अब तस्वीर हो रही है, इसे इनकार कर दिया है। तो हम बोट में एंटर होने में कामयाब हो गए हैं, चढ़ गए हैं। तो इस साइड पे लिदिंगो आइलैंड है और इस साइड पे सिटी है, और ये जहाँ सिलिया लाइन का टर्मिनल है, सिलिया लाइन की भी बोट्स जो हैं ये इंटरनेशनल बोट्स हैं, यहाँ से रशिया भी जाती हैं, बाल्टिक्स भी जाती हैं, जर्मनी भी जाती हैं और अमेरिका वगैरह भी जाती हैं। काफ़ी खूबसूरत फ्लैट्स हैं, ये देखे कितना नाइस व्यू है। अनवारी पसंद आया? मुझे आया जी बिल्कुल। ये देखें जी, लोग जो है वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं समंदर में। इस मुजस्मे से ऊपर से पानी निकलता है यहाँ से, तो ये अभी ऑफ है। तो ये भी काफी जो है ना अच्छा इलाका कंसीडर होता है। ये यहाँ बोट रेस्टोरेंट भी है। ये दूसरी बोट जा रही है, एक आ रही है और एक जा रही है। तो अभी हम नाका से जा रहे हैं आगे यूरगोर्तन की तरफ, शायद हमारा वो अगला स्टॉप हमारा हो। ये जो पीछे फ्लैट बने हुए हैं ये भी नए हैं। ये एक और बोट जा रही है, काफी बोट्स हैं, काफी अच्छा वेदर है। अनवार यार वेदर बहुत अच्छा है, ये बहुत प्यारा एरिया है। ये भी न्यू कंस्ट्रक्शन है, आप ये देखें इनकी ये फ्लैट्स देखें, यहाँ होटल्स भी हैं।
तो ये वाले इलाके कल हमने गाड़ी से देखे थे रात को जल्दी में, और अभी हम बोट से देख रहे हैं। तो इन सब इलाकों को हम रात को गाड़ी में देख चुके हैं। तो ये जो बड़े बड़े शिप हैं ये जाते हैं दूसरे आइलैंड्स में, लत्विया में, गोथलैंड में, रीगा में, ये जाते हैं रशिया में, रीगा में, लत्विया में। और इनकी जो बेहतरीन ट्रिप होता है वो होता है 2 नाइट एंड 1 डे। तो ये है ग्रोनालून। हमारा ख्याल था कि यहाँ स्टॉप होगा, हम यहाँ उतरेंगे, लेकिन यहाँ स्टॉप ही नहीं इसका हुआ। तो ये लगता नहीं कि प्लान पे रुकेगी। ये अभी वासा म्यूजियम आ गया। वासा म्यूजियम में इसके अंदर एक बोट पड़ी हुई है। ये जो बाहर वाली बोट है ये नहीं, इस बिल्डिंग के अंदर एक बोट पड़ी हुई है, वो इन्होंने नीचे से समंदर से निकाली है, जो पहले डूब गई थी किसी ज़माने में, पता नहीं कितने सौ साल पुरानी है। और उसके में उसके अलावा वो हिस्ट्री बताते हैं वाइकिंग्स की, वाइकिंग्स की भी बोट थी। तो अगर मौका मिलेगा तो यहाँ पर जाएंगे, इसके पीछे म्यूजियम और भी है। तो ये बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है। ये नीब्रो प्लान है। तो ये है कुंगस्त्रा गार्डन। तो ये कुंगस्त्रा गार्डन में अभी तक हम हैं। कुंगस्त्रा गार्डन के जो तीनों तरफ है वो मुख्तलिफ किस्म के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये स्टॉकहोम का 0 पॉइंट है। पहले इस बिल्डिंग में पाकिस्तान की एम्बेसी का ऑफिस होता था, या पाकिस्तान का झंडा लगा होता था। तो ये है द्रोतनी गातन। ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली रोड है। जब भी टूरिस्ट आते हैं वो इस पे आमतौर पे। तो हम कब्रिस्तान में एंटर हो रहे हैं द्रोतनी गातन की साइड से। तो नवार पसंद आया? ये लॉक मुझे नहीं पता क्यों लगे हुए हैं। द्रोतनी गातन से हम ये जूस वगैरह पी रहे हैं, बहुत हमें खूबसूरत लगे थे तो हम ले आए हैं। और अब्दुल कदूस मैंने पहले इससे पूछा है कि मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो ये जो द्रोतनी गातन है ये ख़त्म ही नहीं हो रही। खरीदते हैं हर किस्म के, हैं क्रिस्टल के भी हैं, नॉर्मल भी हैं। ये देखें, ये रेंडियर है, रेंडियर। अनवार भाई को हौसले में हो तो पुराने ज़माने में इस किस्म के डोर होते थे, ताले लगे होते थे उसको। और ये अब आपको पूरा डोर नजर आ रहा है। तो ये सिलसर का एरिया है और हम मदबोरिया प्लासन की तरफ जा रहे हैं। ये योत गातन है। और आगे सामने आपको सर्कल सा नजर आ रहा है, वो ग्लोबन है। तो ये रास्ता जो है ना मस्जिद की तरफ जा रहा है। तो यहाँ अभी असर की नमाज होगी। कुछ नजर नहीं आ रहा। बच्चों के खेलने की जगह झूले है एक साइड पे, और दूसरे साइड पे बड़ों के खेलने की जगह है। तो ये है किबाबिस्तान। सुलुसन से सुलुसन पे पहुंचे हैं मेदबोरिया प्लासन से। आगे रूपस्तन जाना है, जहां हमारी गाड़ी जो है ना वो पार्क हुई हुई है। इसको आंखें खोल के समाइल करो। तो स्टॉकहोम में जो
इसका SL का सिस्टम है। हम रोपस्टन पे लैंड कर गए और नीचे से अब हम चेक करेंगे, ढूंढेंगे हमारी गाड़ी किधर है। तो उल्रिक्सदाल के अंदर ये दो लगता है कि मछेरे हैं। ये जो है ये उल्रिक्सदाल की बैक साइड है, कोई जॉगिंग कर रहा है। तो इस वक्त हम उल्रिक्सदाल कैसल में हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ट्रिप भी स्टार्ट हो गया। ये अनवार नासर का दूसरा दिन है और ये आखिरी दिन है, कल इसकी फ्लाइट। तो आज का जो हमारा राउंड है स्टॉकहोम सिटी के बैरूनी इलाकों का वो शुरू हो गया है। तो हमने स्टार्ट जो है ना वो एक्सरसाइज से किया है, साथ एक बहुत बड़ा। तो अनवार भाई जो है ना, ये देखें जी, ये एक्सरसाइज अनवार भाई से तो नहीं हुई। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह और खूबसूरत इलाका है। अभी ये छोटी छोटी कश्तियों में यहाँ जो है ना ये बहुत ज़्यादा बच्चे लग रहे हैं। तो ये जो लेक है इसके इस पॉइंट पे मैं पहले कभी भी नहीं आया। उस ट्रैक के नीचे मैं आया हुआ हूँ, वाकई हुई है, लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ भी एक्सरसाइज का सामान पड़ा हुआ है। उस ट्रैक के नीचे मैं आया हुआ हूँ। तो यहाँ जो ऊपर है वो एक छोटी सी बच्ची गई हुई है ऊपर अंदर। यहाँ उल्रिक्सदाल का स्लत है, स्लत का मतलब होता है कैसर। तो ये जो मछली है ये इस समंदर में पाई जाती है। ओए होए 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 होए, बस अब ऊपर बैठ जाओ। तो यहाँ जो है ना आप बोट को रेंट कर सकते हैं। और ये झील है और इधर भी बोट्स भरी हुई हैं। नहीं है लाइफ जैक्स जैकेट होती हैं, और अगर एमरजेंसी हो जाए लाइफ जैकेट के बावजूद तो वो जो हैं वो स्विम वो अंदर आ जाएंगे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो काफ़ी सेफ्टी है। अनवार नासर को कन्विंस कर रहा हूँ कि इस किस्म का घर स्वीडन में ले लो। घर हो, आगे लान है, वॉकिंग ट्रैक है, आगे बेंच है, और ये आगे जहाँ ये रखा हुआ है नहाने की जगह। तो अभी हम वैक्स होल्म एक एरिया है उधर जा रहे हैं। तो अभी हमने आगे को मूव करना है, जाना है। तो ये कोई एरिया है जिसका नाम है बोक सुंदलैंदत। यहाँ छोटा सा स्टॉप करने के लिए रुके हैं। इसका ये मोटरसाइकिल है छोटा सा। तो ये वैक्स होल्म के करीब कोई कैंपिंग एरिया है। तो घर छोटे छोटे वो आप रेंट कर सकते हैं। हाउस यूज बिल है, गाड़ी के अंदर जो कैंप वगैरह होते हैं तो आप यहाँ रख सकते हैं। आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं इधर, आप अपने टेंट ज़मीन पे लगा सकते हैं। और यहाँ ये देखें बीचेस वगैरह भी हैं, नहा भी सकते हैं। तो ये वैक्स होल्म का एरिया है। ये सामने वैक्स होल्म कैसल है।
ये बहुत मशहूर कैसल है। यहाँ तोपे पड़ी हुई हैं पुराने ज़माने का, यहाँ नेटो की एक्सरसाइजेज भी होती हैं कभी कभी, और चंद लोग हैं उधर, मैं यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये जो है वैक्सहोल्म का पूरा कैसल यहाँ से नज़र आ रहा है। ये वैक्सहोल्म टैक्सी है, तो यहाँ टैक्सियाँ गाड़ियों की भी कश्तियों की भी चलती हैं। वो एक फेरी जा रही है और एक आ रही है। ये जी देखें, यहाँ जो हर व्यू जो है ना वो ब्यूटीफुल है। तो अब मुझे समझ नहीं आती कितनी मैं तस्वीरें बनाऊं और कितनी मैं वीडियोस बनाऊं, क्योंकि हर व्यू ही ब्यूटीफुल है। तो ये जो है वो वैक्सहोल्म का कैसल है, इसके इर्द गिर्द से ये छोटी बड़ी कश्तियाँ गुजर रही हैं, मसरूफ हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं और आप भी वेलकम हैं कि इंजॉय करें। तो यहाँ से हम फेरी में एंटर होंगे गाड़ी समेत। तो हम फेरी के अंदर दाखिल हो गए हैं और ये वही अनवार नासर है जो जद्दा से वैक्सहोल्म देखने आया है, ऑल द वे फ्रॉम जद्दा टू इस्तांबुल टू पेरिस टू ओस्लो टू योथेबोरे एंड नाउ टू स्टॉकहोम, और कल ये वापस जाएंगे। ये फेरी चलना शुरू हो चुकी है। और ये कैसल है और इस फेरी की अच्छी भली स्पीड है। और इस वक्त तो इस पर सिर्फ गाड़ियाँ, इस पर बसें, ट्रक, हर चीज़ जो है ना वो आ जाती है। तो ये जो सामने आइलैंड है हम वहाँ जाएंगे और वहाँ बैठेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कैसी एनवायरनमेंट है। तो इस वक्त हम एक आइलैंड है जिसका नाम हमें पता नहीं है, इस किस्म की रहाइश या बीच में वो मुजस्मे पड़े हमें पता नहीं किसको। तो यहाँ से हम फेरी रहेंगे, इस आइलैंड का नाम रिंतो या रिंतो इस तरह का है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ से फेरी लेनी है तो हमें मेन इलाके से वो कनेक्ट कर देगी। समझे कि फेरी का टाइम हो गया है। तो ये दूसरी फेरी हमने ली है, तो वो रिंगो से हम अब ले रहे हैं, किसी और आइलैंड जा रहे हैं। ये सामने शिप देखें, इतना बड़ा शिप सिलिया लाइन का आ रहा है। ये वन मोर, ये जो इतना बड़ा शिप आ रहा है, रशिया जाना शिप पे या रशियन के साथ जाना है मुझे समझ नहीं लगी। क्या बोला था, रशिया जाना या रशियन के साथ? ओके अल्लाह। ठीक जी, कितना बड़ा जहाज है। ओए होए होए होए, ये ऐसा लग रहा है कि टक्कर ना मार दे। ये पहाड़ जा रहा है, ये जितना ऊपर है इतना ही नीचे है। वो बाय बाय कर रहे हैं उनको। ओए ओए ओए। तो हमारी हम भी पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, वो जहाज भी जा रहा है। अनवारी, ये जितना जहाज ऊपर है ना इतना ये पानी के नीचे भी है। तो ये हमें अजीबोगरीब जानवर नज़र आए हैं जो कि लगते ऊंट की तरह, लेकिन पता नहीं इनका कोई ख़ास नाम है, जाहिद को पता होगा क्या नाम है।
वक्त हमने एक जगह ब्रेक लगाई है, जब हम जा रहे थे गुस्ताफबर्ग, तो और इस जगह जब ब्रेक लगाई है तो एस टू का फोन भी आ गया है। और ये बहुत प्यारी जगह है, पिकनिक भी यहाँ करेंगे, छोटी मोटी परिंदों के घोंसले भी बने हुए हैं, ये वो भी बनी हुई है, कश्ती भी बनी हुई है बच्चों के खेलने के लिए। और वो मेरी बच्ची आगे पहुंच गई है, वहाँ पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, चाय का कप भी बना हुआ है, ये चर्च भी बना हुआ है, ये अस्तबल भी बना हुआ है, इसके अंदर गाय भैंसों की तस्वीरें हैं, मोमे कप की तरह कप, तो ये चाय का कप भी है। तो यहाँ हमने नोट किया कि लोग जो है, लोग तो नहीं, खैर एक ही जो है ना, वो स्टूडेंट है या टीचर है, वो घुड़सवारी कर रही है। और जो ये है, ये अनवार नासर का फार्म हाउस है, तो ये हमें लग रहा है कि नर्सरी है। ये वामतो का इलाका है जो कि सालसोबादन कम्यून में है। तो ये जो है ना, ये काफी प्यारी सीनरी है। अब्दुल कदूस कहता था कि दरख्तों वाले एरिया जो होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं। तो हम इस वक्त वामतो के सुपर स्टोर्स एरिया में है, यहाँ बड़े बड़े स्टोर है। तो ये फिस्क सात्रा का एरिया है नाका कम्यून में, यहाँ हम पहले रहा करते थे। ये फिस्क सात्रा में एक म्यूजियम है, सालसोपीर म्यूजियम रेस्तोरां, ये देखें यहाँ कितनी बोर्ड्स है। अच्छा, तो ये जो एरिया है, ये इसको कहते हैं सिकला, नाका कम्यून में है, सिटी सेंटर से ये 4-5 मिनट की ड्राइविंग पे है। और ये बहुत प्यारा इलाका है, बहुत एक्सपेंसिव इलाका है, ये ऑलमोस्ट सिटी में इलाका है। और इन्होंने जगह 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 जो है ना, ये पानी के अंदर यहाँ के रहने वालों के लिए मुख्तलिफ किस्म की अट्रैक्शंस रखी हुई हैं। ये जो वॉकिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक, यहाँ सामने आपको सिटी हॉल नज़र आ रहा है, यहाँ नोबल सेरेमनी होती है हर साल, यहाँ जब भी नोबल जो है वो प्राइसेस दिए जाते हैं, साइंटिफिक नोबल प्राइसेस, फिजिक्स एंड सो ऑन। इस तरफ आपको बोर्ड्स नज़र आ रही हैं, ये जो बोर्ड्स हैं, ये बेसिकली इनमें अक्सर बोर्ड्स तो होटल हैं, कभी रहा नहीं मैं इस पे, लेकिन मैंने सुना कि ये स्टूडेंट्स वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं कि सीधे हम घर जाएं। तो ये इंस्टा बॉक्स का हेडक्वार्टर है, अली जो है वो यहाँ जॉब करता है। तो ये अली आ रहा है,
तो अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं अनवान नासर को गुड बाय कहने, और इंशाल्लाह इसका सफ़र बाकिया अच्छा गुजरेगा। बाकी बातें बाद में होंगी ताकि देर ना हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़। तो अभी हम अनवार नासर को गुड बाय कर रहे हैं, और ये तुर्किश एयरलाइन है, तो यहाँ हम अनवार नासर को अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे। तो गुड बाय अनवार नासर। If you like this video, please share this video to the whole world. Spread this video everywhere. We are confident that this channel is going to have a huge impact. This channel is going to change some of the lives of the people. So please subscribe to this channel and press the bell icon and stay tuned. Thank you to all of you. Goodbye.